नमस्कार, मेरा नाम है निशा सिंह। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से हिंसा में तब्दील हो चुका है। हिंसा के बीच सोमवार को पड़ोसी देश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई। किस लिए शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन वो आपको बताते हैं और क्यों आखिरकार हिंसा में बदला। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई बार हिंसा पहले भी भड़क चुकी थी। यह विरोध प्रदर्शन देश की सिविल सेवा नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर है, जो विशिष्ट समूहों के लिए पद आरक्षित करता है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों के वंशज भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण को खत्म किया जाए। पहले जब हिंसा भड़की तब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीमा को कम कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन तेज होता गया और हिंसक झड़पें बढ़ती गईं। फिर ये हिंसक प्रदर्शन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना प्रमुख ने कहा, पीएम शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब हम शासन करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करके देश चलाएंगे। हमारे देश का नुकसान हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, मुझे दायित्व दीजिए कि मैं सब संभालूंगा। जनरल वकार उज्जमान ने कहा कि आपकी जो मांग है हम उसे पूरा करेंगे, देश में शांति वापस लेकर आएंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा, तोड़फोड़ आगजनी मारपीट से दूर रहिए, आप लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो हालात और ज्यादा सुधरेंगे। मारपीट हिंसा से कुछ भी नहीं मिलेगा, संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए। सेना प्रमुख ने कहा, जो हत्या हुई उस पर न्याय होगा, हमने सभी दलों से बात की है, हमने एक अच्छी बातचीत की, अब सब शांति से होगा। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने आवामी लीग चीफ शेख हसीना के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया है। इसके बाद प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस गए।